नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी आज देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो दोस्तों जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। कांग्रेस का चिंतन शिविर, राहुल गांधी बोले जनता से हमारा कनेक्शन टूटा है ये हमें मानना होगा। सोनिया का बयान, हम सत्ता में लौटेंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर खत्म हो गया। पार्टी ने वन फैमिली वन टिकट संगठन में युवाओं को आरक्षण, देश भर में पद यात्रा निकालने जैसी कई अहम फैसले लिए। पार्टी के कायाकल्प का मंत्र भी राहुल गांधी ने दिया। चिंतन शिविर में उन्होंने करीब 35 मिनट की स्पीच दी और कहा कि हम फिर जनता के बीच आएंगे, उससे अपने रिश्ते मजबूत करेंगे और ये काम शॉर्टकट से नहीं होगा, ये पसीने से होगा, यानी कि कड़ी मेहनत से होगा। जम्मू कश्मीर, घाटी छोड़ दे कश्मीरी पंडित या मरने को रहे तैयार, लश्करे इस्लाम की धमकी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सरकारी सेवाओं में लगे कश्मीरी पंडित आतंकवादियों के लगातार निशाने पर हैं। पुलवामा के हवाल ट्रांजिट आवास में रह रहे कश्मीरी पंडित को लश्करे इस्लाम नाम के आतंकी संगठन ने धमकी दी है। आतंकवादियों की ओर से जारी किए गए एक पोस्टर में कहा गया है कि कश्मीरी पंडित या तो घाटी छोड़ दें या फिर मौत के लिए तैयार रहें। इस ट्रांजिट आवास में रहने वाले ज्यादातर कश्मीरी पंडित सरकारी नौकरी करते हैं। दोस्तों पोस्टर में यह सारी बातें लिखी गई है। असम में बाढ़ से जान पर बनी, दीमा हसाओ में रेलवे लाइन बही, ट्रेन में फंसे यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। जी हां दोस्तों, असम के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से इन इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। राज्य के होजाई और पश्चिम कार्बी आलोकागोला जिले के कई गांव में पानी भर गया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि लैंडस्लाइड से हाफ लोग में करीब 80 घर प्रभावित हुए हैं। भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हुई है। दीमा हसाओ जिले में बाढ़ से रेलवे लाइन तक बह गई। दिल्ली वेदर अपडेट, दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 49 डिग्री के पार पहुंच गया पारा। जी हां दोस्तों, राष्ट्र राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर जारी है। लू और तेज धूप का आलम यह है कि आज भीषण गर्मी ने दिल्ली में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के मुंगेशपुर और नफजगढ़ इलाके में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस से सिर्फ एक कम रहा। ऐसे में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं नजफगढ़ में 49.1 डिग्री, मुंगेशपुर में 49.2 डिग्री सेल्सियस, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 48.2 डिग्री सेल्सियस, पालम में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़ हुए, नए संगठन ने राजेश चौहान को बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष, राकेश टिकैत ने 7 लोगों को कर दिया बर्खास्त। जी हां दोस्तों, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़ हो गए हैं। बीक्यू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे राजेश सिंह चौहान ने नए संगठन का ऐलान कर दिया जिसका नाम भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक रखा गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने चौहान समेत 7 पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इतिहास रच दिया, थॉमस कप बैडमिंटन में ऐतिहासिक जीत से भारत में खुशी की लहर। जी हां दोस्तों, भारत ने रविवार को इतिहास रचते हुए थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल जीता। यह पहली बार है जब भारत इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनने में कामयाब रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के राजनीतिक वर्ग, खेल बिरादरी, मनोरंजन जगत और कॉरपोरेट क्षेत्र ने पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। पूर्व ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में हो गया निधन। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। साइमंड्स के निधन के बाद विश्व क्रिकेट ने दुख जाहिर किया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पिछले 3 महीने में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को गंवा चुका है। साइमंड्स से पहले शेन वॉर्न और रोड मार्श का मार्च महीने में निधन हुआ था। अगर साइमंड्स की बात करें तो वे बहुत ही चर्चित खिलाड़ी रहे हैं। साइमंड्स अपने प्रदर्शन के साथ साथ विवादों की वजह से भी चर्चा में रहे हैं। तो दोस्तों यह थी अभी की प्रमुख बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको समझाई तो वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। उस तरह की काम की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद।